जरा सोचो दोस्तों, अगर एक बच्चे की आत्मा अपने ही परिवार के सभी लोगों की जान लेने लग जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज के कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को। वो दोनों एक हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, जिसमें से लड़की का नाम था तुलसी और लड़के का नाम था कृष्णा। तभी एक नर्स आकर तुलसी को अंदर बुलाती है और तुलसी उसके साथ चली जाती है। उसके कुछ ही देर के बाद नर्स फिर से बाहर आकर कृष्णा को बुलाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर और कृष्णा के बीच कुछ बात चल रही थी। डॉक्टर पूछने लगती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तब कृष्णा जवाब देता है, 19। ये सुनकर डॉक्टर कृष्णा को कहती है, ये सब करने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? ऐसा कहकर वो उन दोनों को डांटने लगती है। उसके बाद वो कृष्णा और तुलसी को उनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांगती है। तभी कृष्णा डॉक्टर से कहता है, क्या बात है डॉक्टर, आप ऐसा क्यों बोल रही है? डॉक्टर कहती है, तुलसी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों के परिवार को पता चल चुका था कि तुलसी प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर अब उन दोनों परिवारों में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि तुलसी और कृष्णा की शादी हो रही है। उसके परिवार वाले और वो दोनों भी बहुत खुश थे और कृष्णा के घर पर शादी का माहौल था, इसलिए उसके घर पर बहुत सारे मेहमान रुके हुए थे। कृष्णा तुलसी को ढूंढ रहा था, तभी उसे तुलसी दिखाई देती है और वो उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, कृष्णा रोमांस के मूड में था, लेकिन उस कमरे में शादी में आए मेहमान मौजूद थे। कृष्णा की ऐसी हरकत देखकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। वहाँ पर बेटी दादी कृष्णा से कहती है, बेटा क्या इरादा है तुम्हारा? कृष्णा कहता है, दादी इरादा तो नेक है। और तुलसी वहाँ से हंसकर चली जाती है। और दोस्तों, इस तरह यहाँ पर कृष्णा का पोपट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा के पापा उसे बुलाकर कहते हैं, ये लो तुम्हारी हनीमून की टिकट, जाओ तुम दोनों 4 दिन बाहर घूम कर आओ। और दोस्तों, तुलसी और कृष्णा घूमने के लिए शिमला चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तुलसी और कृष्णा दोनों बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तुलसी का ध्यान एक ड्राइंग बुक में था। ये देख कृष्णा उस ड्राइंग बुक को देखने लगता है तो उसमें एक छोटी बच्ची के स्केच बने होते हैं। तभी तुलसी कहती है, आज हमारी बच्ची होती तो 5 साल की होती। तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मैं अपनी बच्ची का चेहरा तक नहीं देख पाई। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि 5 साल पहले जब तुलसी प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा गिरा दिया गया था, लेकिन तुलसी आज भी अपनी बच्ची के बारे में सोचकर परेशान रहती थी। उसके बाद तुलसी और कृष्णा दोनों ही वापस आ जाते हैं और वो दोनों एक नए फ्लैट में रहने लगे थे। दोनों ही उस नए फ्लैट के बालकनी में खड़े थे और नजारा देख रहे थे। वो दोनों बातचीत करके घर के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी हम एक छोटी बच्ची को प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं। उनसे बाद जब कृष्णा और तुलसी घर के अंदर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची की आत्मा तुलसी के घर में उसके आसपास ही घूम रही थी। घर में, ऑफिस में, हर वक्त वो तुलसी के आसपास ही रहती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आत्मा तुलसी की बच्ची की है, यानी कि दिया की। अगले सीन में हम देखते हैं कि तुलसी और कृष्णा को मिलने के लिए कृष्णा के पिताजी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। कृष्णा और उसके पिताजी कुछ बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर तुलसी भी आ जाती है और तुलसी के साथ दिया की आत्मा भी मौजूद थी। दोस्तों, दिया की आत्मा कृष्णा के पिताजी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तुलसी कृष्णा के पिताजी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते हैं, आज नहीं बेटा, हम संडे के दिन यहाँ 2 दिन रहने के लिए आ जाएंगे। और ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके साथ उनके घर पर दिया की आत्मा भी चली गई है। अब उनके घर में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है। सुबह जब कृष्णा के पिताजी उठकर पानी चेक करते हैं तो नल से पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो जाकर ऊपर पानी की टंकी को चेक करते हैं तो टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी दिया की आत्मा कृष्णा के पिताजी को पीछे से धक्का दे देती है, जिससे कि वो टंकी के अंदर गिर जाते हैं। और तभी टंकी के अंदर अपने आप ही पानी भरने लगता है और उसी टंकी के अंदर पानी में डूबकर उनकी जान चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी और वो कृष्णा के पिताजी की लाश बाहर निकालती है। यहाँ पर जब कृष्णा और तुलसी को ये बात पता चलती है तो वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा के घर पर पुलिस आ गई थी। पुलिस कृष्णा से कहती है, तुम्हारे पिता की मौत एक मर्डर हो सकती है, क्या आपको किसी पे शक है? कृष्णा कहता है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी दिया की आत्मा ये सब कुछ सुन रही होती है। उसके बाद कृष्णा तुलसी से कहता है, आज मैं माँ के साथ ही रहूंगा। यहाँ तुलसी अपने फ्लैट पर वापस आ जाती है और उसकी माँ बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो तुलसी को अंदर से आवाज देने लगती है और तुलसी आकर बाहर से दरवाजा खोल देती है। तुलसी की माँ कहती है, पता नहीं कैसे ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। और हम देखते हैं कि ये सब दिया की आत्मा ही कर रही थी। अगले दिन जब तुलसी की माँ अपने घर जा रही थी तो वो कहती है, बेटा जाने से पहले एक बार कृष्णा से मिलना था, मैं उनको उनके काम पर ही मिलूंगी और वहीं से अपने घर चली जाऊंगी। दोस्तों, कृष्णा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और एक साइट पर वो अपना काम कर रहा था। अब हम देखते हैं कि तुलसी की माँ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाती है। वो एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है और तभी लिफ्ट ऊपर जाकर रुक जाती है। अब लिफ्ट रुकने की वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोग भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हम लिफ्ट के अंदर दिया की आत्मा को देख पाते हैं और उस लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये देखकर तुलसी की माँ बहुत डर जाती है और दिया की आत्मा लिफ्ट के तार ऊपर से काट देती है। अब वो लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है। लिफ्ट गिरने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं। कृष्णा उन्हें कहता है, जल्दी से क्रेन लाओ और इस पुरानी लिफ्ट को हटाकर नई लिफ्ट लगवाओ। अब रात हो जाती है और कृष्णा अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर तुलसी सो रही थी और उसके बाद कृष्णा भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जब तुलसी कृष्णा को कॉफी देती है तब कृष्णा कहता है, मम्मी जी कहाँ है? तुलसी कहती है, वो तो तुमसे साइट पर मिलने गई थी। कृष्णा कहता है, नहीं तो वो तो मुझे नहीं मिली। और तभी कृष्णा को एक कॉल आता है जिसमें एक लड़का कहता है कि लिफ्ट के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। उसकी बात सुनकर कृष्णा और तुलसी वहाँ पर फौरन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि मरने वाला और कोई नहीं बल्कि तुलसी की माँ ही है। तुलसी ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कृष्णा उसे संभालने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये हादसा तुलसी के मामा जी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, इसीलिए तुलसी उन्हें देखने के लिए आ जाती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दिया की आत्मा भी वहीं पर खड़ी थी और वो डॉक्टर को गुस्से से देख रही थी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने गाड़ी से घर पर जा रही थी कि तभी अचानक गाड़ी के ग्लास पर पानी आने लगता है, जिससे कि उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में वो डॉक्टर मारी जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस सब के पीछे दिया की आत्मा का ही हाथ है। अब अगले दिन तुलसी और कृष्णा डॉक्टर को देखने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस भी आई थी। पुलिस कृष्णा को देखती है और कहती है, सर आप यहाँ कैसे? कृष्णा बताता है कि ये हमारी फैमिली डॉक्टर थी। और ये बात सुनकर पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कृष्णा और तुलसी के फैमिली से जुड़े हुए लोगों की मौतें हो रही थी, इसीलिए अब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन कृष्णा उन्हें कहता है कि हमारा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे परिवार वाले मिलकर तुलसी को अपना बच्चा गिराने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तुलसी इन सबको मना कर रही थी। लेकिन घर वाले और समाज के प्रेशर की वजह से तुलसी को अपने घर वालों की बात माननी ही पड़ती है। और हम देखते हैं कि घर पर तुलसी को ये एहसास हो जाता है कि इन सब की मौत के पीछे उसकी खुद की बेटी दिया की आत्मा का ही हाथ है। अब तुलसी ये बात अपने मामा जी को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त मामा जी के ऊपर एक कंटेनर गिर जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ घर में तुलसी को अपनी बेटी दिया का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो दिया को घर में पुकारने लगती है। दिया की आत्मा उसके सामने ही थी लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक खिलौना था जो बजने लगता है, जिससे कि तुलसी को ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर दिया की आत्मा मौजूद है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा को पुलिस का कॉल आता है जिसमें पुलिस वाला उसे बताता है कि तुलसी के मामा जी मर गए है। ये सुनकर कृष्णा शॉक रह जाता है। उसके बाद कृष्णा और तुलसी दोनों मिलकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद तुलसी और कृष्णा अपने घर पर वापस आ जाते हैं। तभी तुलसी कृष्णा को कहती है, इन सब के पीछे हमारी बच्ची दिया की आत्मा का ही हाथ है और अगला वो तुम्हें मारने वाली है। लेकिन कृष्णा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि परिवार में हो रही मौतों को देखकर तुलसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ गई है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा तुलसी को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन दोस्तों तुलसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, हमारे परिवार वालों को हमारी बेटी की आत्मा ने ही मारा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं,
आप अभी बहुत स्ट्रेस में हैं। पिछले वक्त में जो भी घटनाएं आपके साथ हुई है, इसका गहरा असर आपके दिमाग पर हुआ है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, आप उन्हें ले लीजिएगा, आप बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, वहाँ पर दिया की आत्मा भी थी जो ये सब कुछ सुन रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक कृष्णा को तुलसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अब तुलसी कृष्णा की जान बचाने के लिए अपने काम से छुट्टी ले लेती है। अब वो हर वक्त कृष्णा के आसपास ही रहती थी, कृष्णा के ऑफिस में, घर में, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अब एक दिन कृष्णा को कंस्ट्रक्शन साइट से कॉल आ जाता है कि उन्हें कृष्णा की जरूरत है। वो लोग कहते हैं कि सर, हमें आपकी जरूरत है, आप काम पर आ जाइए। इसलिए कृष्णा वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। अब तुलसी घर में देखती है तो उसे कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे कॉल करती है। वो उसे कहती है, तुम अकेले मत जाओ। लेकिन कृष्णा कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, हम देखते हैं कि कृष्णा की कार में दिया की आत्मा बैठी हुई थी। इसका मतलब अब कृष्णा की जान खतरे में थी। अब घर से तुलसी भी दौड़कर एक रिक्शा पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर डर के मारे छुप रहा था, क्योंकि दोस्तों, जो भी तुलसी के संपर्क में आता उसकी जान चली जा रही थी। तुलसी पुलिस को सब कुछ बताती है कि 5 साल पहले मैंने अपने बच्चे का अपहरण किया था, इसलिए अब वो हमारे फैमिली मेंबर की जान ले रही है। अब कृष्णा की जान भी खतरे में है, आप उसे बचा लीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, इस औरत को अभी यहाँ से बाहर निकालो। और दोस्तों, तुलसी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर कृष्णा अपना काम कर रहा था और दिया की आत्मा उसे देख रही थी। क्रेन की मदद से एक ब्लॉक को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। तभी तुलसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। वो कृष्णा को दूर से पुकारने लगती है और तभी यहाँ पर ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल छूट जाता है और वो ब्लॉक कृष्णा के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी तुलसी वहाँ आकर उसे धक्का दे देती है और कृष्णा की जान बच जाती है। कृष्णा भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ पुलिस थाने में इंस्पेक्टर को तुलसी की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। लेकिन दोस्तों, कृष्णा तो अभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इन सब के पीछे उनकी बच्ची दिया की आत्मा का ही हाथ है। उसके बाद तुलसी और कृष्णा जी एक पंडित से मिलते हैं। पंडित जी उन्हें बताते हैं कि अतीत में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके परिणामों को हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। तुम आचार्य बाल स्वामी से मिलो, वही तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि तुलसी के घर पर एक अनुष्ठान चल रहा होता है और तभी तुलसी को दिया के रोने की आवाज आने लगती है। दिया उससे कहने लगती है, माँ, इस हवन को बंद करो, मुझे बहुत जलन हो रही है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। अब ये सब कुछ सुनकर तुलसी परेशान हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि तुलसी नींद से जाग जाती है, मतलब ये उसका सपना था। अब कृष्णा भी जग जाता है और तभी हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पर बेल बजती है। वहाँ पर कुछ साधु बाबा आए थे, वो कहते हैं, मैं आचार्य बाल स्वामी हूँ, कृष्णा और तुलसी का घर यही है क्या? लेकिन तुलसी उन्हें देखकर कहती है, नहीं, ये उनका घर नहीं है, और वो उन्हें वहाँ से भेज देती है। अब कृष्णा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुलसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तुलसी ने ऐसा क्यों किया। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए तुलसी उन पंडित बाबाओं को वहाँ से वापस भेज देती है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं पुलिस कंस्ट्रक्शन साइट पर जांच पड़ताल करने के लिए आ जाती है। वो बाकी के वर्कर्स के साथ बातचीत करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। उसके बाद पुलिस डॉक्टर का जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर चले जाते हैं। वो वहाँ से उस रोड का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। उसके बाद यहाँ हम कृष्णा और तुलसी को देखते हैं। कृष्णा डॉक्टर से अकेले मिलता है और वो कहता है, तुलसी मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। उसके मन में बहुत ही ज्यादा डर बैठ चुका है। अब मैं क्या करूं, मुझे इसका इलाज बताइए। डॉक्टर बताता है, तुम्हें 2 दिन के लिए तुलसी से दूर रहना होगा ताकि तुलसी को ये यकीन हो जाए कि जब वो तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे तुलसी को ये यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं सब लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कार के वाइपर अचानक कैसे चालू हो गए। अब इंस्पेक्टर को भी शक हो जाता है कि कहीं तुलसी जो आत्मा वाली बात बता रही थी, क्या वो सच तो नहीं। अब अगले दिन जब तुलसी सोकर उठती है तो कृष्णा वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कृष्णा को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। हम देखते हैं कि कृष्णा अपने दोस्त के घर 2 दिन के लिए रहने के लिए आ जाता है। उसका दोस्त उसे बेसमेंट में रहने के लिए चाबियां दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कृष्णा घर के अंदर चला जाता है, हम देखते हैं कि दिया की आत्मा भी वहाँ पर मौजूद थी। यहाँ तुलसी कृष्णा के ऑफिस में जाकर पूछताछ करती है
लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि कृष्णा कहां पर है। यहां पुलिस भी तुलसी को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें तुलसी के घर पर वो नहीं मिलती। उसके बाद तुलसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर भी कृष्णा नहीं मिलता। यहां इंस्पेक्टर तुलसी का नंबर पता करवाने के लिए कहता है ताकि तुलसी से कॉन्टेक्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास कृष्णा का ही नंबर था जो कि स्विच ऑफ आ रहा था। यहां तुलसी कृष्णा को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और तभी इंस्पेक्टर को रोड की दूसरी तरफ एक कार में तुलसी दिख जाती है। वो उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है कृष्णा की तरफ। कृष्णा ये महसूस करता है कि उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी है। वो देखता है कि रूम की चारों दीवारें उसके पास आ रही है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर तुलसी आ जाती है। वो दिया को कहती है बेटा ऐसा मत करो, और हम देख पाते हैं कि तुलसी अब दिया को देख सकती है, उसे छू सकती है। यहाँ पर सड़क पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पर इंस्पेक्टर देखता है कि तुलसी के कार का एक्सीडेंट हो चुका है और वहाँ पर तुलसी मर चुकी थी। ये देखकर वो इंस्पेक्टर बहुत डर जाता है। दोस्तों तुलसी की मौत होने की वजह से वो दिया को देख पा रही थी, उसे महसूस कर पा रही थी। ये देख दिया की आत्मा भी खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ अस्पताल में तुलसी का इलाज किया जा रहा था, उसे शॉक दिए जा रहे थे, और तभी तुलसी की धड़कने वापस से शुरू हो जाती है, मतलब वो फिर से जिंदा हो जाती है। और दोस्तों हम देख पाते हैं कि डॉक्टर बाहर आकर इंस्पेक्टर को बताती है कि आपने एक नहीं बल्कि दो लोगों की जान बचाई है, तुलसी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर बहुत खुश हो जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों लास्ट में ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि हमारे देश में हर साल 70 लाख महिलाएं अपना गर्भपात कराती है। दिया जैसी मासूम बच्चियां इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और सानिया मिर्जा भी बन सकती है, लेकिन दिया एक ऐसी भूल थी जिसे इस दुनिया में आना नसीब नहीं हुआ। और दोस्तों एक अच्छा सोशल मैसेज देते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।